देश का सबसे बड़ा मामला, देश की सबसे बड़ी अदालत और अब देश का सबसे बड़ा फैसला, देश के सबसे बड़े केस को लेकर अदालत की मंशा क्या है, ये सामने आ गया है। राम जन्मभूमि विवाद अब और नहीं खिंचेगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की समय सीमा तय कर दी है। चीफ जस्टिस ने 18 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी है। ये भी बता दिया है कि सुनवाई के लिए सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं, और ये भी कि अगर 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म नहीं हुई तो जल्द फैसले की उम्मीद भी खत्म मानिए। पहली बार ऐसा हुआ है जब अयोध्या पर चीफ जस्टिस की इतनी साफ टिप्पणी की गई। चीफ जस्टिस की टिप्पणी से चंद मायने तो साफ है, और वो ये है कि कोर्ट जल्द से जल्द विवाद निपटाने के हक में है। सबसे बड़ी अदालत 18 अक्टूबर तक फैसले के पक्ष में है। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से पहले मुकदमा निपटा लेना चाहते हैं। ये भी साफ है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म नहीं हुई तो केस लंबा चलेगा। चीफ जस्टिस की टिप्पणी से तमाम पक्षों पर मामला न उलझाने का दबाव होगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मैं 18 तक सुनवाई करूंगा, इसमें कोई बात नहीं, सही बात है। जितने जितने पार्टीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अपने अपने पक्ष जो रखना चाहते हैं वो 18 के पहले रख लें और वो क्लोज हो जाएगा। और क्या है, देश के सबसे बड़े विवाद में रोजाना सुनवाई हो रही है, दलीलें दी जा रही है, क्योंकि इस केस को सुलझाना सबसे बड़ी अदालत की प्राथमिकता है।